हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग गाइस, हैप्पी इवनिंग। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, अपना ख्याल जरूर रख रहे होंगे। आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है आज शाम? क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर करेंटली आपके बारे में, जिनके बारे में आप सोच रहे हो, जो पर्सन आपके मन में है, आपके दिलो दिमाग में है, क्या है उनकी फीलिंग्स, यही जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए उन पर ध्यान दीजिए, उनसे कनेक्ट होने की कोशिश करें। आप उनका नाम ले सकते हो, विजुलाइज आप कर सकते हो, जो आपने उनके साथ सपने देख रखा है उस ड्रीम्स के बारे में सोच सकते हो। और साथ में यूनिवर्स से प्रेज जरूर कर लें कि वो आपको शेडिंग के थ्रू सही गाइडेंस दे, आपको क्लैरिटी प्रोवाइड करें। ठीक है, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिए, शेयर भी करें फ्रेंड एंड फैमिली के साथ, जिनके भी साथ आपको लगता है। तो क्या है उनकी फीलिंग्स करेंटली, जिनके बारे में आप सोच रहे हो, जो रीडिंग में आ रहे हैं उसको आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो लाइक करके क्लेम जरूर करें कि आप यही चाहते हो, अपने लाइफ में यही चाह रहे हो और वो होने जा रहा है आपके साथ। ठीक है, यूनिवर्स मुझे बताएं, जो मेरे व्यूअर्स के पार्टनर हैं, जिनके बारे में मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं राइट नाउ, उनकी फीलिंग्स क्या है करेंटली, वो पर्सन क्या सोच रहे हैं इनके बारे में आज शाम, क्या है उनकी फीलिंग्स और थॉट्स, क्या सोच रहे हैं। कार्ड मिला है किंग ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। फिलहाल तो मुझे इनका फोकस मटेरियलिस्टिक चीज़ों पर दिखाई दे रहे हैं, मनी पर दिखाई दे रहे हैं, कैरियर पर दिखाई दे रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल पर्सन हो सकते हैं, अगर ऐसे हैं तो काफ़ी बिजी हैं अपने लाइफ में। ठीक है, वर्कोहॉलिक हो सकते हैं आपके पार्टनर, और अगर इंडिपेंडेंट नहीं है या तो सेटल नहीं है अपने कैरियर में, स्टेबल नहीं है इनका कैरियर, तो सक्सेस चाहिए इनको, डेफिनेटली मनी चाहिए। ठीक है, इसके लिए हार्ड वर्क कर रहे हैं, काफ़ी हार्ड वर्किंग हो सकते हैं आपके पार्टनर। तो राइट नाउ इनका फोकस लव से ज़्यादा, आपसे ज़्यादा मुझे मटेरियलिस्टिक चीज़ों पर, कैरियर पर काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रहा है। ठीक है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये पर्सन आप पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, आपको मिस नहीं कर रहे हैं, आपको याद नहीं कर रहे हैं, एक सेक्सुअल अट्रैक्शन फील कर रहे हैं आपके पार्टनर। जैसे काम निपटता है या जैसे ही थोड़ा सा बर्डन से बाहर आते हैं, जो वर्क का प्रेशर है उससे बाहर आते हैं, रिलैक्स इनको मिलता है, वैसे ये पर्सन मुझे ऐसा दिखाई दे रहा ना, इनको रिलैक्सेशन चाहिए। ठीक है, इनको ऐसा लगता है कि आपके पास आकर ही वो सुकून, वो पीस मिल सकता है इनको, जो ये चाहते हैं अपने लाइफ में। तो आपके पार्टनर आपसे मिलने आ सकते हैं, मिलने की बातें कर सकते हैं, या तो अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो ऐसे ही, पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है इनकी एनर्जी आपके क्लोज आना चाहते हैं, एक अट्रैक्शन फील करते हैं, भले ही मिलो दूर हैं आपसे, बट हो सकता है आप दोनों क्लोज रिलेशनशिप में रहे हो, रोमांटिक रिलेशनशिप में रहे हो, काफ़ी करीब आए हो आप दोनों, तो उस करीब के बारे में, उस करीबियों के बारे में मुझे सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर कभी आप दोनों इंटीमेट हुए हो, क्लोज आए हो, तो उसके बारे में मुझे सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, वापस ये पर्सन आपके साथ क्लोज आना चाहते हैं। ठीक है, ये टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, या तो आपका खुद का शाइन हो सकता है। और क्या है इनकी फीलिंग्स करेंटली, और क्या सोच रहे हैं पर्सन आपके बारे में? बहुत प्यार आ रहा है इस पर्सन को, इस पर्सन को डाउट भी हो रहा है, या तो इनको पक्का से पता है कि आप पर कोई फिदा है, आपको कोई पसंद करते हैं, आपसे कोई प्यार करते हैं। मुझे आपके लाइफ में दो तीन पर्सन दिखाई दे रहे हैं जो कि आपकी ओर अट्रैक्टेड हैं। ठीक है, इनमें से एक आपको बहुत पसंद करते हैं, आपसे लव करते हैं, आपसे प्यार करते हैं, आप इनके साथ लव रिलेशनशिप में रह चुके हो, सिचुएशनशिप में रह चुके हो, और कोई एक पर्सन आपके वर्क वाले एरिया से हैं, कोई एक आपके बॉस हो सकते हैं, या तो आप इनके बॉस हो, या तो आपने वर्क किया, इनके साथ स्टडी किया है। ठीक है, तो राइट नाउ आपके बारे में सिर्फ आपकी पार्टनर ही नहीं, कई सारे पर्सन सोचते मुझे दिखाई दे रहे हैं, और काफ़ी अट्रैक्टेड हैं ये तीनों ही आपसे। ठीक है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है इनमें से कोई एक पर्सन मैरिड भी हो सकते हैं, या तो इनके लाइफ में कोई और है, या तो कहीं से निकल रहे हैं ये। ठीक है, और आपके साथ ये पर्सन आगे बढ़ना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, बात करते हैं आपके पार्टनर का। ठीक है, मुझे किसी और का भी एनर्जी मिला। ठीक है, उस पर्सन को ऐसा लगता है कि जो सुकून, पीस या सीरियस रिलेशनशिप के तलाश में हैं, चाहते हैं, जिनके साथ वो आपके साथ डेवलप हो सकता है, वो आपके साथ हो सकता है, क्योंकि ये पर्सन प्यार के तलाश में है, प्यार चाहिए इस पर्सन को। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा ना, इनके पास लव के लिए आई थिंक टाइम नहीं था, या तो ये काफ़ी ज़्यादा वर्कोहॉलिक थे।
अब इस पर्सन को प्यार चाहिए और इनको नज़र आ रहा है वो प्यार आप ही दे सकते हो इनको, ठीक है। जो इनकी लाइफ में अलोननेस है, अकेलापन है, उस अकेलापन को आप ही दूर कर सकते हो। आप इस पर्सन की लाइफ में कंप्लीशन ला सकते हो। मुझे इनकी एनर्जी मिल रही है। इस पर्सन के विश हो आप, ये पर्सन आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, ये पर्सन आपकी फैमिली से बात करना चाहते हैं, ये पर्सन आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, स्पेशली अगर ये एक मेल हैं तो, ठीक है। और अगर आप एक फीमेल वुमेन या गर्ल के लिए वीडियो देख रहे हो तो उनके एक्सपेक्टेशन है, आप कुछ करो उनके लिए, ठीक है। अगर आपने कैरियर में सेटल नहीं हो तो कैरियर पर फोकस करें आप, वहीं इनसे प्यार भी बहुत करें, इनके लिए लॉयल रहें, ऑनेस्ट रहें और अपने कैरियर में कुछ करें, ठीक है। उसके बाद आपके रिश्ते के लिए कुछ करें। प्यार मुझे दोनों के बीच बराबर दिखाई दे रहा है, इक्वल दिखाई दे रहा है, सेम दिखाई दे रहा है, म्यूचुअल फीलिंग्स है, यहाँ पर अट्रैक्शन है। तो आपके पार्टनर आपसे मिलने का प्लान बना रहे हैं या तो आपको प्रपोज करने का प्लान बना रहे हैं। अगर इन्होंने आपको प्रपोज नहीं किया है तो हो सकता है कि आप दोनों लव रिलेशनशिप में रह चुके हो, बट शादी वगैरह, इंगेजमेंट वगैरह, ठीक है। इस पर्सन का थॉट्स मुझे यही दिखाई दे रहा है। इस पर्सन को ना थोड़ा सा इनसिक्योरिटीज भी हो रही है, अगर आप दोनों लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो या अगर राइट ना आप दोनों के बीच दूरियां आ गई है या ये आपको छोड़कर चले गए थे, आपसे खुद को डिटैच कर लिया था, कॉन्टैक्ट टोटली बंद कर दिया था, राइट नाउ जीरो कॉन्टैक्ट है। आपके पार्टनर मुझे इनसिक्योर फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं, कहीं आपके लाइफ में कोई और ना आ जाए, उससे अच्छा है मामला बिगड़े, आप इनके हाथ से जाओ, उससे अच्छा ये खुद आपको प्रपोज करना चाहते हैं। ये प्रपोजल जो पहले वाला था उससे अलग होगी, हटके होगी, ठीक है। आपको सॉलिड ऑफर मिल सकता है, आप दोनों मुझे साथ में आते हुए दिखाई दे रहे हो या तो आप अपने सोलमेट के साथ इन्वॉल्व हो रहे हो, सेटल हो रहे हो, ठीक है। तो ये मुझे इनकी एनर्जी मिला है। आप जिनसे डील कर रहे हो ये आपके सोलमेट हैं, ठीक है। या तो आपके सोलमेट जल्द ही आपके लाइफ में आने वाले हैं या तो आपके सोलमेट ही आपकी ओर अट्रैक्टेड हैं, ठीक है, आपसे अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो जल्द ही वो आपको प्रपोज कर सकते हैं। ये भी हो सकता है आप किसी ऐसे पर्सन के पीछे भाग रहे थे या ऐसे पर्सन के साथ थे जो आपको कुछ नहीं दे रहा था या कुछ नहीं दे रही थी, वो काफ़ी प्रैक्टिकल लॉजिकल थे। आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए प्यार, आपको चाहिए परिवार, आपको चाहिए कमिटमेंट, आपको चाहिए सिक्योरिटी, ठीक है। और वो पर्सन आपको प्रोवाइड नहीं कर पा रहे थे, उनका फोकस कोई और चीज़ों पर था या थर्ड पार्टी में थे। तो आपके लाइफ में कोई ऐसे पर्सन ज़रूर एंट्री करने वाले हैं जो कि आपसे बहुत प्यार करते हैं, हो सकता है उनके बारे में आपको नहीं पता, और कुछ लोगों को आपको ऑलरेडी पता है वो कौन हो सकते हैं, ठीक है, आप जानते हैं उनके बारे में और कुछ लोग नहीं जानते। तो जल्दी आपको पता चल जाएगी। कब तक पता चलेगी? 2 वीक्स के अंदर, 2 मंथ्स के अंदर, 2 मंथ्स के, मुझे 2 मंथ्स नहीं दिखाई दे रहे, 2 वीक्स तक आपको पता चल ही जाएगी। आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है? जिनके बारे में आप सोच रहे हो उस पर्सन के इंटेंशंस क्या है आपके लिए? जिनके बारे में आप सोच रहे हो, जो पर्सन आपके मन में है, ओके, ठीक है। तो मैं आपको क्लियरली बता देती हूँ, अगर यहाँ पर थर्ड पार्टी नहीं है, कोई हस्बैंड वाइफ, कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, कोई एक्स्ट्रा लव अफेयर नहीं है यहाँ पर, आपके पार्टनर आपके लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपके साथ सेटल हो सके, आपके साथ घर बसा सके, आपसे आपका हाथ मांग सके, कि आपके साथ ज़िंदगी गुजार सके। ज़िंदगी बिताने के लिए पैसा ज़रूरी है, ठीक है, पैसा ज़रूरी है, कैरियर में स्टेबिलिटी होना ज़रूरी है। ये पर्सन आपको हर खुशी देना चाहते हैं, ठीक है, और इन्होंने समझ लिया है जब तक मैं कैरियर में सेटल नहीं हो जाती तब तक ये इम्पॉसिबल है, हमारा साथ आ पाना या हमारे रिश्ते को एक नाम मिल पाना मुश्किल नहीं, बहुत मुश्किल है। तो आपके पार्टनर कैरियर पर फोकस कर रहे हैं जिससे आपके साथ रिश्ते में आगे बढ़ सके, आपके साथ फैमिली बना सके, आपके साथ आगे बढ़ सके, ठीक है। और अगर यहाँ पर थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो ऑलरेडी मैरिड हैं ये पर्सन, तो मैं आपको बता दूँ ये मुझे वहाँ पर जाते हुए मूव ऑन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अगर यहाँ पर कोई नहीं है तो इनको आपके साथ आगे बढ़ना है, आपको मिस करते हैं, भले आपको टाइम नहीं दे पा रहे हैं, आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं, पर आप हर वक्त इस पर्सन के मन में हो, ठीक है, इनके दिल दिमाग में हो। ये पर्सन सिर्फ आपसे प्यार करते हैं, इनके ड्रीम्स में, इनके इमेजिनेशन वर्ल्ड में सिर्फ आप हो, ठीक है।
तो नई शुरुआत होगी इनके साथ, क्लैरिटी आपको जल्द ही मिल जाएगी। अगर आप कन्फ्यूज हो कि पता नहीं इनसे आपकी शादी हो पाएगी कि नहीं, ये क्या चाहते हैं, ये पर्सन हमेशा यही सोचते रहते हैं आपके बारे में, फैमिली बनाने के बारे में, आगे बढ़ने के बारे में, कैसे बढ़ना है, क्या करना है, कैसे कन्वेंस करना है फैमिली को, कैसे मनाना है, कैसे राजी करना है, कैसे नई शुरुआत करना है। जो आप दोनों के बीच प्रॉब्लम चल रही है, नो कॉन्टैक्ट इनको फ़र्क पड़ता है, बट इनको पता है कि आप दोनों एक दूसरे के हों, ठीक है। तो राइट नाउ अगर ज़्यादा आपको टाइम नहीं दे पा रहे हैं, बातचीत नहीं हो पा रही है, या इनका एनर्जी ये भी है, अगर मैं उसके पास जाऊँगी तो ऑफ़र लेकर, कुछ बनकर, ऐसे यूं ही नहीं, ये आपके पार्टनर की फीलिंग्स है, ठीक है। लॉयल ऑनेस्ट है तो खुश हो जाइए, सच में ये पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपको पाने के लिए, आपको अपनी लाइफ में लाने के लिए कुछ भी करेंगे, और जहाँ पर भी हैं आपके लिए लॉयल हैं, सिर्फ आप हो इनके लाइफ में, ठीक है। सब कुछ बताएंगे, जो भी इनके मन में है, इनकी फीलिंग्स है, इनकी एनर्जी है, इनका सिचुएशन है, ये क्या चाहते हैं, A to Z आपको जल्द ही क्लैरिटी मिल जाएगी, 1 week के अंदर या तो 1 month के अंदर, ठीक है। सब कुछ आपके सामने आ जाएगी, जल्द ही इनकी तरफ से आपको मैसेज मिलेगा। मैसेज ये हो सकता है कि ये आपसे मिलने को आ रहे हैं, या आपसे फैमिली से बात करने आ रहे हैं, या आपसे कह सकते हैं कि आप करो, ठीक है, आप फैमिली से बात करो, आप कुछ करो जिससे आपका रिश्ता आगे बढ़े, ठीक है। तो मुझे इनका एनर्जी दिखाई दे रहा है, ये है आपकी रीडिंग। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। प्राइवेट रीडिंग बुक करना चाहो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप चेकआउट कर सकते हो। तो चले मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय गाइस, टेक केयर, अपना अच्छे से ख्याल रखिएगा।